फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो, इसमें मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ग्लैम्स ऑफ इंडिया। ग्लैम्स ऑफ इंडिया का मतलब होता है भारत की झलकियां। भारत की झलकियों में पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, है ना। कहाँ से? गोवा का एक लेसन है पहला, और दूसरा पार्ट है इसका क्रूग, और तीसरा लेसन दिया हुआ है टी फ्रॉम असम, यानी असम की चाय वाला पार्ट है। और क्रूग का मतलब है कर्नाटका का एक छोटा ज़िला है क्रूग, और यह है कहाँ का? गोवा में एक पाव बेचने वाला है, उस पर आधारित पार्ट है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या, हाउ वाज द एंटर ऑफ बेकर इन द मॉर्निंग? एंटर ऑफ द हाउ वॉज द एंटर ऑफ द ओ बेकर इन द मॉर्निंग? सुबह बेकर का प्रवेश किस प्रकार होता है? अब जगह वो बेकर आता है तो उसके एक हाथ में बम्बो होती है, दूसरे हाथ में बॉस्केट होती है। क्या होती है? एक हाथ में बम्बो, बम्बो मीन्स क्या होता है? बाँस, बाँस की लकड़ी होती है, उसको ज़मीन पर मारता है वो। तो जब वो ज़मीन पर मारता है तो सभी बच्चे क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। जो बिस्तर में लेटे रहते हैं बच्चे तो वो उठ जाते हैं। और जबकि दूसरे हाथ में क्या होती है? बास्केट, बास्केट के अंदर वो रखता है ब्रेड, और ब्रेड का मतलब होता है डबल रोटी। तो डबल रोटी बेचने के लिए आता है, तो बहुत से बच्चे जग करके उसकी बास्केट, वो बम्बों की आवाज़ सुन करके उसकी ओर दौड़ने लग जाते हैं, अपने बिस्तरों को छोड़ देते हैं डबल रोटी की चाह में। तो देखो सुबह बेकर का प्रवेश किस प्रकार होता है, द चिल्ड्रन गोट अप फ्रॉम द देयर स्लीप एंड रन अप टू द डोर व्हेन दे ऑल लिसन टू द म्यूजिकल एंटर ऑफ बेकर। बच्चे अपनी नींद से उठते थे और दरवाजे तक भागते थे, क्या करते थे? देयर स्लीप एंड रन अप टू द डोर, दरवाजे तक भागते थे, और व्हेन दे ऑल लिसन टू द म्यूजिकल एंटर ऑफ बेकर, जब वे बेकर के संगीत में प्रवेश को सुनते थे। किसको सुनते थे? एंट्री होती थी किसकी? बेकर की। और म्यूजिकल, म्यूजिकल का मतलब वो बास के उसको मारता था, किसको? बम्बो को। बम्बो को ज़मीन पर मारता था तो उसमें से झकझक की आवाज़ आती थी। किसकी आवाज़ आती थी? झकझक की। तो उस आवाज़ को सुन करके जो बच्चे थे वो बिस्तरों से उठते थे, और उठने के बाद में दरवाजे की तरफ भागते थे, ठीक है। फिर आगे ही प्रोड्यूस द जेंग जेंग साउंड विथ हिज बम्बो, और वह झेक झेक की आवाज़ अपने बाँस से निकालता था। किससे निकालता था? बाँस की लकड़ी होती थी उसके पास में, तो उससे झेक झेक की आवाज़ निकालता था। उसको सुन करके बच्चे अपने दरवाजों की तरफ दौड़ते थे। विच वाज ए स्पेशियल मेड स्टफ, विच वाज स्पेशियल मेड स्टफ, जो कि एक विशेष तत्व का बना हुआ होता था। किसका होता था? विशेष तत्व का बना होता है, यानी बाँस से बना होता है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंड द बम्बो ऑन द ग्राउंड, एक हाथ में क्या होता था? एक हाथ सिर में रखी टोकरी पर होता था, मतलब उसका जो बेचने वाला होता था, पाव बेचने वाला, तो उसका एक हाथ बास्केट को पकड़े रखता था, और दूसरे हाथ में क्या होती थी? बम्बो होती थी, ठीक है, जो झेक झेक की आवाज़ किया करती थी, ठीक है। दूसरे हाथ से बाँस को ज़मीन पर बजाता रहता, और द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो हैडलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और पारंपरिक बेकर, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, बेकर के बाँस की धम धम व झंकार प्रातःकाल में उनके आगमन का संकेत देती थी, मतलब वो जंग जंग की आवाज़ आती थी तो सभी बच्चे क्या करते थे? वो दौड़ करके जाते थे दरवाजों पर, जब भी वो आवाज़ उनके उनको सुनाई देती थी तो वो दौड़ते थे, और दौड़ करके वो डबल रोटी लेने के लिए पाव वाले, यानी पाव बेचने वाले के पास जाते थे, ठीक है, दम दम की आवाज़ सुन करके। फिर आता है इसके बाद में, कैन स्टिल ही हर्ड इन सम पैलेसेज हिज अराइवल इन द मॉर्निंग वॉज वेरी स्वीट एंड इंचेंटिंग टू ऑल चिल्ड्रन,
और सुबह सुबह उसका आना बच्चों को मीठा और जादुई प्रभाव वाला लगता था, और ये बच्चों को क्या लगता था, जादुई लगता था, प्रभावित करता था, मतलब सभी बच्चों को इम्प्रेशन करता था, वो इम्प्रेस करता था। कौन करता था? वो जो बेकर आता था, वो एक हाथ में क्या रखता था, बास्केट, और एक हाथ में क्या रखता था, एक हाथ में बम्बो रखता था, जो बम्बो क्या करती थी, आवाज किया करती थी। फिर देखो अगला क्वेश्चन है इस लेसन का, बेकर फ्रॉम गोवा का, हाउ डज ए बेकर लुक इन द एप्रियंस। बेकर इज ए मैन हु सर्व ब्रेड इन ऑल द हाउसेज। क्या करता है? सभी घरों में वो बेकर होता है जो सप्लाई देता है। बेकर इज ए मैन हु सर्व ब्रेड इन ऑल द हाउस ऑफ ए विलेज। जो बेकर वह व्यक्ति है जो गांव के सभी घरों में ब्रेड का वितरण करता है। बेकर इज ए मैन, कि बेकर वह आदमी है हु सर्व ब्रेड इन ऑल द हाउसेज, जो गांव के सभी घरों में ब्रेड का वितरण करता है। ही हैज ए पेक्युलर ड्रेस नाउन एज द कबाई, और वह एक विशेष ड्रेस पहनता है जिसे कबाई कहते हैं। विशेष प्रकार की ड्रेस पहना करता है। कौन पहनता है? जो बेकर होता है वो विशेष प्रकार की ड्रेस पहनता है, उसे क्या कहते हैं? कबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कबाई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कबाई है ना, तो ये कबाई क्या है, जैसे जैसे आ जाए, व्हाट इज कबाई, कबाई क्या था, तो विशेष प्रकार की ड्रेस पहनता था, तो विशेष प्रकार की ड्रेस को क्या बोलते हैं? पेक्युलर ड्रेस नाउन एज द कबाई, उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। दिस कबाई वॉज वॉर्न इन दोज ओल्ड डेज, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और ये किस प्रकार का होता था? जो लड़कियां पहनती है ना फिरोक, फिरोक का मतलब पूरी यहाँ से लेकर नीचे तक होती है, तो उस आकार का क्या होता था? कबाई होता था। ठीक है, उसको कौन पहना करता था? जो बेकर होता था वह पहना करता था। तो देखो, दिस कबाई वॉज वॉर्न इन दोज ओल्ड डेज, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, सम ऑफ देम आल्सो पुट ऑन ए शर्ट एंड ट्राउजर्स। अब देखो, वह एक विशेष ड्रेस पहनता है, उसे तो कबाई कहते हैं। ये कबाई पुराने दिनों में पहनी जाती थी। ये कब पहनी जाती थी? दिस कबाई वॉज वॉर्न इन दोज ओल्ड डेज, पुराने समय में कबाई पहनी जाती थी। और इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, और यह एक ही कपड़े की बनी लंबी फ्रॉक होती थी। कैसी होती थी? लंबी फ्रॉक, एक कपड़े से बनाई जाने वाली फ्रॉक पहनती थी लड़कियां, वैसी होती थी। फिर इसके बाद में सम ऑफ देम आल्सो पुट ऑन ए शर्ट एंड ट्राउजर्स, और जो घुटनों के नीचे तक होती थी उनमें से कुछ एक शर्ट तथा ट्राउजर जो पूरी लंबाई से छोटी तथा नेकर से बड़ी होती थी, मतलब पूरी लंबाई से तो छोटी और नेकर से क्या होती थी? बड़ी होती थी। ठीक है, वो पहना करते थे ट्राउजर जानते हो, ट्राउजर वो पहना करते थे। फिर इसके बाद में विच वर सूटर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, इवन टुडे एनीवन हु वर सच ए ड्रेस इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पेडर। अब देखो, उनमें से कुछ एक शर्ट तथा ट्राउजर जो पूरी लंबाई से छोटी तथा नेकर से बड़ी होती थी को पहनते थे। आज भी कोई भी जो ऐसी ड्रेस पहनता है वह ये टिप्पणी सुनता है कि इसने पेडर के जैसी ड्रेस पहन रखी है। कैसी पहन रखी है? पेडर की जैसी ड्रेस पहन रखी है। बेकर हैज ए बम्बो इन हिज हैंड एंड मेक्स ए जिंगलिंग साउंड, और बेकर के हाथों में एक बांस होता है और वह संगीत में आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है? संगीत में आवाज़ करता है। एक बांस होता है, क्या होता है? बांस, और वह संगीत में आवाज़ करता है। बेकर हैज ए बम्बो इन हिज हैंड एंड मेक्स ए जिंगलिंग साउंड, ही होल्ड्स हिज बास्केट फ्रॉम वन हैंड, एक हाथ में उसके क्या होती है? बास्केट होती है, एक हाथ में टोकरी को पकड़ता है। वन हैंड ही लुक्स नाइस एंड इनचेंटिंग टू ऑल द चिल्ड्रन, और वह सभी बच्चों को अच्छा एवं जादुई आकर्षण वाला लगता है। कौन लगता है? बेकर होता है। वो किसको अच्छा लगता है? जो जितने भी बच्चे होते हैं वो आवाज़ करता आता है, संगीत में ध्वनि निकालता है। किससे निकालता है? उसके पास एक बम्बो होती है। बम्बो का मतलब क्या होता है? एक लाठी होती है, डांग,
जिसको मारवाड़ी भाषा में कहते हैं डांग होती है, उस डांग को जब जमीन पर मारता है तो उससे आवाज़ निकलती है, म्यूजिकल साउंड निकलता है उससे, और फिर वो आगे चला जाता है जिससे कि बच्चे जल्दी उठने के आदि हो जाते हैं। फिर है ड्रॉ द स्कैन ऑफ योर वर्ड्स अबाउट द अराइवल ऑफ बेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेड एंड चिल्ड्रन एक्शन आल्सो। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको जरूर जरूर आपको याद करना है। देखो, अपने शब्दों के आधार पर ड्रॉ द स्कैन ऑफ योर वर्ड्स आपके शब्दों में लिखना है, अबाउट द अराइवल ऑफ बेकर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेड। अपने शब्दों के आधार पर एक दृश्य बनाइए जिसमें बेकर के आने और ब्रेड का वितरण करने और का क्या कार्य है वह भी लिखे, मतलब इसके डिस्ट्रीब्यूशन करता है यानी बांटता है वो सभी को ब्रेड, तो उसके अलावा वो क्या क्या कार्य करता है। तो देखो, द बेकर कम्स इन द मॉर्निंग विथ हिज बम्बो इन वन हैंड। अब देखो, उस बेकर सुबह एक हाथ में बांस लेकर आता है। द बेकर कम्स इन द मॉर्निंग विथ हिज बम्बो इन वन हैंड, ही मैक्स झेंग झेंग साउंड, और वह कैसी आवाज़ निकालता है, वह झेंग झेंग की आवाज़ करता है। कैसी आवाज़ करता है? झेंग झेंग की आवाज़ करता है। द चिल्ड्रन लिसन दिस साउंड एंड रन टॉवर्ड्स द डोर ऑफ द हाउस। जब भी बच्चे इसकी आवाज़ सुनते हैं, बच्चे इस आवाज़ को सुनकर घर के दरवाजे पर की ओर भागते हैं। किधर भागते हैं? घर के दरवाजे की ओर भागते हैं। द बेकर ग्रेब्स द लेडी ऑफ द हाउस, और वह भागते हैं और बेकर घर की मालकिन का अभिवादन करता है। क्या करता है? बेकर घर की मालकिन होती है। द बेकर ग्रेट्स अभिवादन करता है द लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन का स्वागत करता है। द चिल्ड्रन कलेक्ट अराउंड हिम एंड सेलेक्ट द ब्रेड बैंगल्स, और वह क्या करते हैं? बच्चे उसके चारों ओर एकत्रित हो जाते हैं यानी राउंडेड हो जाते हैं, और ब्रेड बैंगल्स का चयन करते हैं, मतलब वो ब्रेड बैंगल्स होती है अलग अलग प्रकार की बैंगल्स, यानी अलग अलग प्रकार की क्या आती है, ब्रेडें आती है। एक डबल रोटी आती है, एक गोल वाली ब्रेड आती है, वो वर्गाकार आती है, आयताकार आती है, तो अलग अलग प्रकार की ब्रेड्स होती है, तो उनका चयन करते हैं। कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। फिर इसके बाद में देखो, बेकर लिफ्ट्स हिज बास्केट बट द चिल्ड्रन मैनेज एनी हाउ टू सी द बास्केट। अब देखो, बेकर अपनी टोकरी को उठाता है मगर बच्चे किसी प्रकार से टोकरी के अंदर देख लेते हैं, मतलब ऊपर उठा लेता है लेकिन फिर भी बच्चे उसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ब्रेड है। मैनेज एनी हाउ टू सी द बास्केट ही समटाइम्स पुशेज देम एसाइड एंड आल्सो अब्यूज इन ए मिल्ड वे। वह कभी कभी उनको एक तरफ धकेल देता है और कभी कभी हल्की सी गाली भी दे देता है। क्या देता है? गाली भी देता है। दैट स्कैन इज वेरी नाइस टू द चिल्ड्रन एंड बेकर आल्सो, और वह दृश्य बच्चों को और बेकर को भी बहुत अच्छा लगता है। कैसा लगता है? दोनों खुश रहते हैं, मतलब कभी कभी वो बच्चों को गालियाँ भी दिया करता है। कौन देता है? जो बेकर होता है वह गालियाँ भी दिया करता है। तो इस प्रकार यही क्या है जो आपका लेसन है, ग्लैम्स ऑफ इंडिया बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, गोवा का एक पाव बनाने वाला। तो इस तरह से तो आपको ये क्वेश्चन याद करने, और इसमें से आपको पैसेज भी पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू फॉर